मेजी ने पूछा, प्रभु अब क्यों हंस रहे हो? मुस्कुराने का कारण? तो नारायण ने कहा, देवी मुझे इसीलिए हंसना आ रहा है कि अभी मैं सृष्टि की रचना करने जा रहा हूं। बोले, इसमें तो कोई हंसी की बात नहीं है। नहीं नहीं देवी, सुनो सुनो, मैं सृष्टि की रचना करूंगा और बाद में मैं अलग अलग जीवों की रचना करूंगा, और इसमें भी कोई हंसने की बात नहीं है। अरे नहीं देवी सुनो, अलग अलग शरीर में बनाऊंगा, उनमें मैं मनुष्य का शरीर बनाऊंगा, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। बोले, इसमें भी कोई हंसने का नहीं है। लक्ष्मी जी को भगवान कहते, इसमें हंसने का है। क्यों? बोले, देवी जी कलयुग में मैं मनुष्य को बनाऊंगा, लेकिन समय आते मानव मुझे बनाएगा, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयं, जो हाथ जोड़कर द्रौपदी जी अर्जुन से कहती है, महाराज ब्राह्मणों नितरां गुरुः मेरा निर्णय है। मुच्यताम दो बार द्रौपदी जी बोली अश्वत्थामा को देखकर, दो बार बोलना यानी पक्का, इन्हें छोड़ दो, मुझे इनको कोई सजा नहीं करनी है। अर्जुन कहते, देवी कमाल है, अपने पांच पुत्रों के हत्यारे को अब छोड़ने को कह रही हो। द्रौपदी जी ने दो कारण बताए, महाराज इनके दो कारण। पहला कारण अश्वत्थामा ब्राह्मण पुत्र है, और दूसरा कारण द्रौपदी जी ने कहा, महाराज मैं इसलिए छोड़ने को कह रही हूं, इनकी माँ अकेली हो जाएगी। हमारे माननीय रघुवर दास जी, जिन्हीं के साथ और इन्हीं के साथ श्रीमान अंकित आनंद पूर्व जिला अभिवादन करें। तो जो बहना मती बताए हर हर महादेव हर, साथिया पुराओ द्वारे तीवड़ा बहना तकदीर से मिलती है तेरी चौखट,
तकदीर हमारी यूं ही बनाए रखना। तकदीर से मिलती है तेरी चौखट, तकदीर हमारी यूं ही बनाए रखना। जब भी तड़पे दीदार को तेरे, जब भी तड़पे दीदार को तेरे, तेरे दरबार में यूं ही हाजिरी लगवाए रखना। भाई कहीं लखी ने मारा माटे एक उपहार लाया छे, તમ બધા સાંભળજો, ભાઈ કઈક લખાણ લખ્યું છે, મને દેખાતું નથી, બાર સંભળાવશે, થોડો જલ્દી જરા થોડો આગળ રાખ. તો અમે ગયા તોલસે અમે આરતી જય, મારી માએ મારો હાથ ઝાલ્યો તો, પણ હું અભાગણી મે મૂકી દીધો તો, પણ માએ એવી કૃપા કરી, હવે એવો માએ હાથ ઝાલ્યો છે, મારો હાથ હવે કોઈ દી મૂકશે નહીં. બોલો અમે માઈ ભક્ત તો ઘણા જોયા, પણ બંટી ભાઈ જેવા કોઈ નહીં. માં કહે મારો બંટી, એ તો મારી હૃદય ઘંટી, ઘંટી નો રણકાર મીઠો, બંટી નો આવકાર મીઠો, એ બોલાવે મારે આવવું જ પડે, બંટી મારે વશ નથી, હું બંટી ને વશ છું, એટલે એ બોલાવે ત્યારે મારે આવવું જ પડે. મારો વાલ સોયો બંટી, મારો પ્યારો બંટી, તું બોલાવીશ, હું જરૂર આવીશ, જરૂર આવીશ. मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव, अंबा भवन, अंबा भवन के साथ जुड़ा हुआ अंबिका सत्संग मंडल, और उसके साथ जुड़ा हुआ है नीरज भाई, भक्त नीरज पटेल के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन वह भक्त है माँ अंबा की. और इस पूरे कार्यक्रम को और अधिक इसमें शक्ति देने के लिए परम पूज्य नरेश भाई मुंबई से आए हैं, जिनका कथा आज पांचवें दिन भी चला, सिर्फ दो दिन बाकी है. और ब्याज जी से लिखा गया देवी भगवती का कथा चल रहा है. तो आप देखिए भक्त और भगवान, मीरा भाई, मीरा का जो भजन है आज भी गाया जाता है. मीरा का जब जन्म हुआ था तो राजा भोज के समय, और जब कृष्ण का जन्म हुआ द्वारिका यानी द्वापर के समय, लेकिन मीरा ने भक्त से प्रेम किया और आज उसका भजन सभी गायक गाते हैं. माँ काली के साथ आप देखिएगा तो परमहंस और शारदा मणि, माँ काली का जब पूजा किया जाता है तो उनकी भक्त जो है उनके साथ उनका भी पूजा किया जाता है. और नीरज भाई, यह भक्ति का जो संगम है या भक्ति का जो शक्ति है, माँ अम्बे का जो आप कर रहे हैं, एक यह भक्ति का आपको मन कब से लगा? बाल्यकाल से. जैन कुल में स्थानकवासी परंपरा में जन्म लेने के बाद भी भगवती के प्रति बहुत सारा प्रेम, बहुत उनसे लगाव, उनकी असीम कृपा को हर क्षण महसूस करना. पढ़ने के लिए पुस्तक नहीं थी, पुस्तक मिल जाती थी. चढ़ाने को फूल नहीं थे, भाव किया फूल मिल जाते थे. मतलब शब्द नहीं है उनकी अनुकंपा के, बस प्रेम किया. कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई स्तोत्र नहीं, कुछ नहीं आता था, बस माँ से प्रेम करने आता था. पारिवारिक विरोध के बावजूद माँ का हाथ छूटा नहीं, माँ ने साथ छोड़ा नहीं. एक कदम मैं बढ़ा और 10 कदम मेरी भवानी बढ़ी. जीवन में उतार चढ़ाव थे, बहुत से तूफान थे, झंझावात थी, पर माँ ने साथ दिया. परम कृपालु माँ की अनुकंपा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई. धीरे 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 करके जो अपनी कुल देवी को भूल गए थे, उनके घर में कुल देवी का दीपक प्रज्वलित होने लगा. लोग जगदम्बा से जुड़ने लगे, लोग मातृशक्ति को समझने लगे. गरीब
वंचित ऐसी छोटी छोटी हमारी बेटियां जिनके माँ बाप घर घर काम करते हैं, कोई पेपर बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, किसी की माँ घर जाकर झूठे बर्तन धोती हैं, किसी की माँ घर जाकर खाना बनाती हैं, उनकी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी मासूम बेटियां अम्बा भवन में उनकी ही पूजा होती है। जिनकी पूजा कहीं नहीं होती, जिन्हें कोई नहीं बुलाता, उन्हें बुलाकर मैंने माँ को पाया, उन्हें हंसाकर मैंने जगदम्बा की कृपा प्राप्त की, उसे लाड लड़ाकर, उसे पढ़ाकर सरस्वती का साथ पाया, माँ की तस्वीर सजाकर कारोबार चालू किया। जगदम्बा की पूजा के लिए जब धन की आवश्यकता होती है तो धन नहीं था, तो जगदम्बा की तस्वीर सजा सजा कर उनकी पूजा के लिए पैसे जुटाए और भगवती की कृपा प्राप्त की, नवरात्रि सफल हुई। कक्षा 5 से भगवती के प्रति अपार प्रेम मुझे उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ है। और मैं कोई भी भक्त नहीं, कोई बहुत बड़ा संत नहीं, बस माता का छोटा सा चरण सेवक, उनका कृपा पात्र कहिए। थोड़ी सी कृपा का छींटा मुझ पर है तो जगदम्बा की सेवा हो रही है। इतने बड़े ज्ञानी विद्वान परम पूज्य नरेश भाई राज्यगुरु, हरि गुण गायक हरेश भाई राज्यगुरु जैसे महान संत, जो स्वयं परम पूज्य महाविद्वान भारतवर्ष के महान संत श्री रमेश भाई ओझा से दीक्षित हैं, शिक्षित हैं, जिनके सिर पर अपने गुरुवर का हाथ है, ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवंत, ऐसे बड़े संत, उनके शिष्य, उनके कृपा पात्र लौह नगरी पर आकर ये ज्ञान रूपी भागीरथी जो बहा रहे हैं, इसके लिए भगवती की जितनी प्रशंसा करें, जितना धन्यवाद करें उतना कम, उन्हें जितना वंदन करें, जितना पूजा, जितनी पूजा करें, जितनी वंदना करें उतना कम, भगवती जगदम्बा की कृपा ममता करुणा अम्बा भवन पे अविरल बरसती रहे, भगवती की भक्ति लौह नगरी के एक एक घर घर तक पहुँचे। एक सपना देखा है झारखंड में बड़ी देवी जी को लाने का, झारखंड में बड़ी देवी जी का उत्सव करने का, मेरे साथ मातृशक्ति की पूरी पूरी कृपा है। जमशेदपुर में आने वाले कुछ वर्षों में या कुछ महीने में आप एक चमत्कार देखेंगे, मातृशक्ति द्वारा, स्त्रियों द्वारा एक बड़ा दुर्गा पूजा मंडप सजेगा और इस शहर की बड़ी देवी जी, जिसमें दिव्यता है, जिसमें चैतन्य है, जिसके रोम रोम में शक्ति रूपी चैतन्य विद्यमान है, वो दिव्य प्रतिमा के दर्शन येन केन प्रकारेण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और इस देश की प्रथम महिला, प्रथम व्यक्तित्व आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी तक अवश्य पहुंचेगी, मेरा भरोसा है। बोली अम्बे मात की, और झारखंड का उद्धार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय अम्बे। आपने ऐसा क्या विधि किया, ऐसा क्या फार्मूला किया, ऐसे क्या PhD किया कि माँ आपकी बात सुनती है? क्योंकि वह भक्त जो इस माँ को नहीं लेके आ सकते, उनको कुछ ऐसा सूत्र बताइए कि माँ उनका भी बात सुने, उनका भी दुख हरे। ऐसा शॉर्टकट कोई सूत्र है तो बताइए माँ का। प्रेम करिए माँ से, आडंबर मत कीजिए कि आज नहाया नहीं मंदिर कैसे जाऊं, आज स्वच्छ नहीं पूजा कैसे करूं। उनके पास बैठिए। गुरुदेव ने कहा प्रेम में बहुत शक्ति है, मंत्र में बहुत शक्ति है। आपको जो मंत्र आता है उस पर पूर्ण निष्ठा श्रद्धा रखकर भगवती के पास बैठिए तो सही, उन्हें लाड लड़ाइए तो सही, भगवती को स्वच्छ रखिए, मंदिर का स्थान सुंदर रखिए, पवित्र रखिए, छोटा सा रखिए पर दिव्य रखिए। विश्वास कीजिए चैतन्य रूपी जगदम्बा इस सृष्टि का पालन पोषण और तारणहार कर ही रही हैं, हमें नहीं आता उन्हें बुलाना। कहते हैं ना, प्रभु खाते हैं खिलाने वाला चाहिए, प्रभु भजन सुनते हैं सुनाने वाला चाहिए। मुझे बहुत गर्व है
अपने भारत भूमि पर, हमारे भारत देश की संस्कृति पर, इस सनातन संस्कृति सभ्यता पर, इस देश के लिए सदैव एक ही मंगल कामना। हे जग जननी चरणों में ले लो, ऋषि मुनियों की पावन धरती, हम सब इनसे प्यार करें, घर घर भक्ति दीप जलाएं, भारत माँ की जय जय कराएं, भारत भूमि धन्य बने, मेरी सभ्यता विजय बने, जय जय भारत भारती देवी, तम चरणों में शीश धरे। जय अम्बे, ओम काली। ये भक्ति की शक्ति है कि एक आम आदमी को प्रहलाद भक्त बना सकते हैं, या भक्ति की शक्ति है कि मीरा कृष्ण से प्रेम करने लगी, और या शक्ति है नीरज भाई जो नीरज पटेल से नाम से है लेकिन आज उनका जीवन, आज उनका हर काम इस माँ अम्बा के लिए समर्पित है, और या भक्त का माँ के साथ एक मिलन है, एक शोध है और एक शिक्षा है कि आप माँ से प्रेम कीजिए, भक्त कीजिए, अडंबर मत कीजिए, माँ आपसे बात करेगी, आपका रिक्वायरमेंट पूछेगी, आपका हर समस्या का समाधान कर देगी। यही माँ अम्बा माँ है, यही माँ दुर्गा माँ है, यही माँ काली माँ है, और यही सरस्वती माँ है। और इस पर्व में, इस 5 दिन का पर्व में आप भी आइए, भजन सुनिए, शक्ति देखिए, और वह प्रवचन जरूर सुनिए, क्योंकि आपकी आत्मा कम से कम भक्ति के लिए ललायित होगी। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार, जय मां अम्बे।